हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 2 जून 2019 के एमसीक्यू करंट अफेयर्स के साथ यूवी कंपटीशन चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ मेरे द्वारा राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू करंट अफेयर्स। सबसे पहले क्वेश्चन संख्या एक की बात करते हैं। हाउ लॉन्ग विल द फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यूली इलेक्टेड 17th लोकसभा 2019 बी हेल्ड। नव निर्वाचित 17वीं लोकसभा 2019 का पहला सत्र कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है ए 15 जून टू 15 जुलाई, 15 जून से 15 जुलाई। ऑप्शन बी 17th जून टू 15 जुलाई, 17 जून से 15 जुलाई। ऑप्शन सी 17 जून टू 26 जुलाई, 17 जून से 26 जुलाई। और ऑप्शन डी 25 जून टू 26 जुलाई, 25 जून से 26 जुलाई। तो मेरे प्यारे साथियों, जो 17वीं लोकसभा है, जो कि अभी नव निर्वाचित हुई है, उसका पहला सत्र जो है वह 17 जून से 26 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। यह एक 40 दिवसीय सत्र होगा, जिसमें लगभग 30 बैठकें होंगी और देश की अर्थव्यवस्था को दर्जा देने वाले आर्थिक सर्वेक्षण को 4 जुलाई को इसमें पेश किया जाएगा। और वर्तमान में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 5 जुलाई को अपना पहला बजट पेश किया जाएगा। नेक्स्ट, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एक्सपांशन ऑफ द कल्याणकारी स्कीम रिलेटेड टू फार्मर्स एंड ट्रेडर्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों एवं व्यापारियों से जुड़ी किस कल्याणकारी योजना के विस्तार को मंजूरी दी है? ए पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, बी प्रधानमंत्री कायाकल्प नीति, सी प्रधानमंत्री किसान रक्षा कोष, डी प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना। तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान। नेक्स्ट, विच सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। भारतीय मूल के किस नागरिक को संयुक्त राष्ट्र के उप कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? ए इंदिरा नुई, बी अनिता भाटिया, सी चंदा कोचर, डी टीना अंबानी। और इसका सही उत्तर है अनिता भाटिया। मेरे प्यारे साथियों, यदि अनिता भाटिया के बारे में बात की जाए तो अनिता भाटिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रिसोर्स मोबिलाइजेशन और प्रबंधन में सफलता इन्होंने प्राप्त कर रखी है। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन किया है हिस्ट्री में, येल यूनिवर्सिटी से राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में एमए किया हुआ है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, और इन्होंने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से लॉ में पीएचडी की हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर द स्टूडेंट हु आर एडमिटेड टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल द पैटर्निटी इनकम लिमिट हैज बीन इंक्रीज्ड अंडर द फी वेवियर स्कीम। स्नातकोत्तर स्तर तक प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए शुल्क माफी योजना के तहत पैतृक आय सीमा को बढ़ाया है। ए गवर्नमेंट ऑफ असम सरकार ने, बी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सरकार ने, सी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली सरकार ने, और डी गवर्नमेंट ऑफ केरल सरकार ने। और इसका सही उत्तर है गवर्नमेंट ऑफ असम सरकार ने। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार, जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल, और साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।